वेरी गुड इवनिंग डी एस वेलकम टू अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन दिस इज मिनट सौरव सिंह एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी जबरदस्त चल रही होगी आज इस टाइम स्लॉट को थोड़ा सा आधे घंटे एक्सटेंड करना पड़ा मुझे मतलब कि सेवन पी एम के बजाय सेवन थर्टी पर क्लास शुरू करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ वही कुछ बिजी शेड्यूल था आपके कल एस बी आई मेन्स की एग्जामिनेशन है तो उन सभी बच्चों को अगर कोई सुन रहे हैं जिनका मेन्स एग्जामिनेशन है कल ऑल द बेस्ट अच्छे से एग्जाम दीजिएगा लॉजिकल रीजनिंग के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव तौर पर मैंने एक लेक्चर लिया था अभी

इस बात से कि जो भी बच्चे नए देख रहे हैं उनका काम है एक बार सब्सक्राइब कर लेना और जो बच्चे पुराने हैं बने रहना दोस्तों में जरूर शेयर करें ये काम जरूर कर दिया करें और जो बच्चे नए हैं वो भी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें अगर क्लास आपको बेहतर लगे तो मतलब सिर्फ अच्छी नहीं बेहतर लगनी चाहिए मतलब अच्छा तो खैर बहुत कुछ है बेहतर जब है आपको लगे तो ठीक है सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें सभी के लिए चलते हैं बात करते हैं आज के क्लास को वैसे ही शुरू करते हैं जैसे हर दिन किया करते हैं ठीक है बिकॉज क्लास आधे घंटे नहीं चलेगी क्लास चलेगी प्रॉपर अपने रिदम में मतलब कि साढ़े सात से अगर स्टार्ट हुई है तो साढ़े आठ पौने नौ तक चलेगी क्लास आराम से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सो लेट लेट इज टॉक अबाउट दिस मोटिवेशनल वर्ड्स जो हम लोग हर दिन डिस्कस करते हैं जैसे कि आज लिखा गया है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि यार एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिपरेशन में हर चीज में जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उसको खत्म करने के लिए

बहुत बेहतर आउटपुट निकल के आएगा और वो वैसा आउटपुट निकल के आएगा जिसकी आकांक्षा और अपेक्षा आप भी खुद से नहीं कर पाएंगे ये वाली बात है ठीक है ठीक so वही वाली बात है विनर्स नेवर क्विट क्विट नहीं करना आपको लग रहा है ना कि भाई अब तो लगता है कि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम आ गया अब मुझसे लगता है नहीं हो पाएगा वही वक्त है कि बस खींच दो वहां पे हल्का सा आगे खींचोगे पहुंच जाओगे ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं सेशन समरी देखते हैं आज क्या है तो सेशन समरी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हम डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत ठीक है ये हमारी आज की चर्चा रहने वाली है ठीक है ओके इंग्लिश क्लास है इंग्लिश से क्लास है देखो आज इंग्लिश क्लास होती है या नहीं होती है अगर हो जाएगी तो मैं कर, खत्म कर दूंगा टेंशन मतलब लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए तो मैं कंसिस्टेंट हूं क्लास ले रहा हूं टेंशन मतलब क्लास चलेगी ठीक है हाँ चलो आगे बढ़ता हूं Uh, शुरू करते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं स्क्वायर बेस्ड और रेक्टेंगल हम सवाल बात करते हैं ना क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सो स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले सवालों में क्या uh, खास बात होती है इस वाले क्वेश्चन में जब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले सवाल की बात करते हैं तो इसके दो तीन स्ट्रक्चर होते हैं यहां पे एक तो स्क्वायर अगर स्क्वायर की बात करते हैं सबसे पहले तो ऑफकोर्स स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा तो कोई खास अलग बात नहीं होती स्क्वायर रेक्टेंगल में अमूमन सवाल हमें लगभग एक ही टाइप दिखाई देते हैं जब स्क्वायर की बात करें रेक्टेंगल की बात करें बट लेकिन आजकल जो ट्विस्ट तैयार हो रहे हैं जब एग्जामिनेशन अपने अलग ही लेवल पे खेल रही एग्जामिनेशन तो वहां पर रेक्टेंगल वाले टर्म में कुछ कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं मतलब की तीन तीन लोग बैठा देगा आपको आपके उस पर लॉन्गर साइड पे रेक्टेंगल के मामले में एक एक को बैठाएगा

हमें यह समझना है कि यार दिस टाइप ऑफ थिंग्स मे हैपन विथ इन द मेंस एग्जामिनेशन बट नाउ सिंस वी आर टारगेटिंग बेसिक एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन दैट मींस वी सुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ ट्रेडिशनल मैनर दैट मींस की दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच दैट इज फोर पीपल आर फेसिंग इनसाइड एंड फोर पीपल आर फेसिंग आउटसाइड सिटिंग एट द कॉर्नर्स एंड साइड्स दैट्स इट ठीक है इतना इंट्रोडक्शन काफी है कुछ लोग कह रहे हैं सर प्री वाले तो सर डेढ़ मिनट में उड़ा देते हैं अपन मतलब तो समझ रहे हैं ये ये लेवल और ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई अपने को चाहिए ऐसे वाला कॉन्फिडेंस ये कॉन्फिडेंट ऐसे बच्चे चाहिए अपने को बहुत बढ़िया वेरी गुड सो सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ना बाकी तो आपके पास डायरेक्शन के मामले में हाँ एक और डिफरेंस मैं चाहता हूँ कि पे डिस्कस हो जानी चाहिए और वो डिफरेंस है कि यार अमूमन जब हम सर्कल की बात करते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वहां पे एलिमेंट के जरिए डायरेक्शन को दिया जाता है एक बात मैं नोटिस भी किया होगा उन सभी बच्चे उन सभी बच्चों से भी मेरा ये कन्वर्सेशन है कि यार आपने जो बच्चे ऑलरेडी बहुत सारा सवाल कर चुके हैं स्क्वायर रेक्टेंगल का उन्होंने भी कभी ऑब्जर्व किया सिटिंग अरेंजमेंट का सारा बहुत सारा सवाल आपने किया भी होगा तो आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा सर्कल के मामले में सवाल जब आते हैं तो इस तरीके से आते हैं कि यार इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी इक like एलिमेंट्स जो है वो डायरेक्शन के साथ बैठ रहे हैं और प्लेसेस के बारे में हमें नहीं होता पहले से लेकिन स्कॉर रेक्टेंगल में क्या होता है कि, एक, एक बात अच्छी है कि यहां पर ना कई बार एग्जामिन सवाल देते हैं आपको या फिर सवालों में, में नॉर्मली प्रैक्टिस के दौरान ही मिलता क्या है कि फोर पीपल आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड फोर पीपल आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ द स्टेबल एंड दो आर दोज हुआ सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग सेंटर सो दिस टाइप ऑफ क्लूज यू मे नॉट एक्सपेक्ट इन वेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन और यू कैन से वैन यू टॉक अबाउट दर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन ये बातें वो पहले से शायद नहीं मालूम चलती होंगी जब आप सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन वाले सवाल करते हो ये बातें अमूमन जब स्क्वायर या रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तब दिखाई देती है हमें दैट मीन्स की अगर ये सेंटर की ओर देख रहे हैं ये पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया आपको ये बाहर की ओर देख रहे हैं इस टाइप का इंस्ट्रक्शन आपको पहले से दिख सकता है ठीक है आई होप यू गॉथ द आइडिया क्लियर So with this पार्टिकुलर बेसिक इन्फॉर्मेशन ठीक है विद दिस टाइप ऑफ बेसिक just give you the first question on your screen and let's try to answer that question. Ready? So पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा और उसका uh, समय मैं नहीं दोहरा हुआ कुछ भी बस आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सवाल आपके पास आ चुका है ट्राई टू आंसर question. बहुत इजी सवाल है कह रहा है कि आठ लोग हैं Uh, 8 people, JKLDMNOPQ, are sitting around a square table in such a way that 4 of them are sitting at the corners. About the same I was talking, right? Uh, 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 4 of them are sitting at the corner of the table while f the other 4 are sitting at the middle of the, each of the 4 sides.

आशीर्वाद कह रहे हैं सर चैंपियन बैचेस कब होगा चैंपियन बैच स्टार्ट हो चुका है यार आज से स्टार्ट हो चुका है क्लास उसका शुरू हो चुका है आज 2:30 पीएम से फोर पीएम तक क्लास चला मतलब कि ढाई ढाई से चार के स्लॉट है उस स्लॉट में क्लास हुई है बस वो क्लास जो होगी वो चलेगी आपके हफ्ते में तीन दिन फिलहाल मतलब की टी टी में क्लास चलेगी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे को क्लास चलेगी बाकी मतलब ऑल्टरनेट इसलिए चलाया जा रहा है बिकॉज आपको प्रैक्टिस करने का मौका भी इक्वली मिलना चाहिए बिकॉज वी आर हैविंग टाइम राइट नाउ डन आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन राइट इतने टाइम में इस सवाल को कर लेना चाहिए आपको सवाल में क्या कहा गया है कि आठ लोग हैं ऑफकोर्स हमारे पास एक स्क्वायर टेबल है सो विल ट्राई टू स्टार्ट विद हमारे पास चार लोग कॉर्नर्स पे है और चार लोग, लोग जो हमारे पास है वो कहां पे साइड पे ठीक है ना इस तरीके से सभी लोग कहा देख रहे हैं सेंटर की ओर दैट मींस की ऑफकोर्स वी कैन मेक पीपल फेस इन साइड इन एट द इनिशियल स्टेज ओनली और जो लोग फ्रेशर है उनको मैं जरूर बोलूंगा कि आप एरो कर दिया करें बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड राइट आगे बढ़ते हैं हम, हाँ, uh, uh, हम प्रोजेक्शन सवाल को स्टार्ट जरूर कर सकते हैं अभी मत फील करने लगा सर ये तो रेक्टेंगल बनाया है आपने अरे भैया इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला की अब रेक्टेंगल है या स्ट्रक्चर में वो स्क्वायर है इंटेंशन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी क्लियर की चलो एक बक्सा बनाना चलो ठीक है ना सिंपल आगे बढ़ते

ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है ठीक है So L is sitting fourth to the left of O. That means we have started talking about this O and L. Now with this group, we have started our our, our solution. Now neither J nor O is an immediate neighbor of M. M is not on the plot. Let's move forward. N is not an immediate. in. N is not sitting at the middle of any sides. मतलब N जो है किसी भी middle of the sides नहीं बैठने वाला है. तो हमारे पास middle of the sides में हमारे पास N यहाँ तो यहाँ होगा. तो यहाँ पे रख नहीं सकते इसको हमलोग. N यहाँ भी नहीं हो सकता. इस बात को हमने लिख के cancel out कर दिया. Because they have mentioned this particular line that N is not sitting in the middle of the sides. Now, O is second to the right of J. बोल रहा है कि वो जो है ना वो सेकंड राइट ऑफ जे और यही हमारा मेन कंसर्न भी होता है कि हम लोग जिस क्रू से स्टार्ट करते हैं ना ओ और एल हमारे पास है तो हमारी मेन कंसर्न होनी चाहिए कि हम ओ या फिर एल से जुड़ा हुआ जो भी क्रू हमें मिलता रहता है उस पैसेज में उसको उठा के हम इस्तेमाल करें यहां पे हमारे पास दिया गया है ओ इज टू द राइट ऑफ जे जो है ना वो सेकंड राइट right है जे की दैट मीन जे विल बी कमिंग हियर जो है सेकंड राइट right है जे की दैट जे विल बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एंड जे इज नॉट सिटिंग इन द मिडिल ऑफ एनी ऑफ द साइड्स दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग ये मिस्टेक हो सकती है आपसे इसीलिए मैंने

एन साइड्स कैन भी ट्रीटेड एट द डिफरेंट प्लेस है ना उसको आप अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं दट वाई वो मिडिल बैठाया हमने फंस गए हम लोग यहाँ पे वो यहाँ पे अगर है तो ऑफकोर्स जे विल बी कमिंग हेर इन दिस सिचुएशन ऑफकोर्स विल हैव टू कीप दिस एल एट द कॉर्नर एज वेल सो नाउ एन इज नॉट अगर एन जो है आपका मिडिल ऑफ द साइड्स नहीं है दैट मीस एन विल बी सिटिंग हेयर हम लोग अभी इस बात को कंफर्म भी हो चुके हैं चार लोग हमारे बैठ चुके हैं कॉर्नर सारा फुल, फुल हो चुका है आगे बढ़ते हैं म इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफकोर्स एम जो है मिडिल क्या अब सारे जो भी बचे हुए लोग हैं वो सभी के सभी एम जो है या फिर कोई और भी एलिमेंट है वो सभी बीच में ही बैठने वाले हैं बिकॉज हमारे पास सारे कॉर्नर बुक हो चुके हैं ठीक है वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन के एंड पी के पास सब जो भी हमारे पास के है या एम है जो भी बचे हुए सब वही बैठने वाले हैं पी इज नॉट एन इमीडियट नंबर ऑफ ओ पी जो है इस साइड नहीं होने वाला है तो दैट मीनस की पी इज रूल्ड आउट एट दिस प्लेस पी कैंसल आउट इस यहाँ पे भी पी है यहाँ पे भी कैंसिल आउट है पी तो यहाँ कहीं होने वाला है हमारे पास और भी जो क्रू है यूज लेते हैं ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन के एंड एम और ऊपर में मेरे पास कुछ ट्रू था आई थिंक नीदर जे नॉर ओ इज एन निट नंबर ऑफ एम और एम का पड़ोसी कौन नहीं है जे या फिर ओ नहीं है दट मीनस इन सभी जगह पे आपका एम नहीं हो सकता दैट है एम विल बी हियर अगर एम यहां पर हमारा पी यहां यहां नहीं होता है यहां रखते हैं एम और के के बीच में कितने लोग हैं एक लोग हैं ऑफकोर्स जस्टिफाई है पी हम यहाँ प्लॉट कर सकते हैं नो डाउट बिकॉज हमारे पास पी अगर यहां रख देते हैं अगर हम के यहां रखते हैं तो हमारे पास पी रखने का जगह नहीं होगा दैट मीस अल्टिमेटली हमारे सवाल हो चुका है बचा हुआ एलिमेंट जो होगा आई थिंक वो कौन है आई थिंक वो क्यू है सो वी कैन पुट दिस क्यू हियर एंड वी कैन गॉट द आंसर वी कैन गेट द आंसर सो दिस इज हाउ वी कैन आंसर द क्वेश्चन प्रॉपरली I hope you got the idea. ठीक है एकदम बहुआ सवाल था यार एकदम बहुआ सवाल एल LNOJ जे एल कॉर्नर्स यू कैन से एम पी क्यू आर एट दिडल साइड प्रॉपर आंसर कोई तकलीफ नहीं है इस सवाल से सीखना क्या था हर एक सवाल के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं आपकी सर इस सवाल से क्या सीखना था तो मैं कहूंगा देखो इस सवाल से मैं ये सीखना था कि Uh, कैसे हम सवाल में ये चीज कर रहे हैं कि भाई साहब मतलब की कॉर्नर वाली पॉइंट मतलब की अब जब सभी लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं तो यार ओ का दो सिचुएशन है ना मतलब इस सवाल से यह सीखना है कि यार अगर एक स्क्वायर वाले क्वेश्चन में अगर सब लोग एक ही दिशा में देख भी रहेंगे तो भी हमें कॉर्नर को और एक मिडिल ऑफ द साइड को ये दो अलग अलग प्लेस लेके चलना पड़ सकता है आगे बढ़ता हूं सेकंड क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर राइट नाउ ऑन स्क्रीन ट्राई टू आंसर दिस Quick. Your response is awaited जल्दी से कीजिएगा अच्छा है क्या? तो चलिए वो थोड़ा सा आ गया हुआ, टाइपिंग एरर होगा, सवाल सवाल में। कीजिए उसको। सर, ऐसे सवाल आपने जीरो हाँ तो, अरे यार तो हमेशा अपडेट होता रहता है ना अब जीरो टू हीरो में पहुंचे हो कुछ ना कुछ तो अपडेट होगा ना क्लासिंग एलेक्स ठीक है सोनिया आई गॉट द वो अब टाइपिंग हो सकता है एनीवेज यू यू गॉट द थिंग ना क्या उससे डिस्कस करना था क्या आउटपुट निकालना था वहां से uh, अभिमन्यु अधिकारी यू कैन राइट टू सपोर्ट एट द रेट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम और यू कैन जस्ट मेल अस एट ब्लॉगर्स एट द रेट अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम ठीक है ना चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इस में क्या अलग बात है या फिर क्या है यहां पे हमारे पास एलिमेंट्स की संख्या जो है वो आई आई थिंक ई एफ जी एच जे जे के लोग हैं और कह रहा है कि यार देखो यहां पे दस लोग हैं उनके नाम बता दिए गए हैं कि ये दस लोग कौन से हैं ई एफ जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आर सिटिंग अराउंड रेक्टेंगुलर टेबल विच कंसिस्ट ऑफ टेन सीट्स साफ साफ कहा गया दस सीट्स हैं इसमें

चार जो होंगे कॉर्नर होंगे चारों पे एक एक लोग बैठे होंगे होंगे so, uh, no, uh, अगर आवश्यकता पड़ गई तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है सो so, ये वाली चीज हमारे हमें ड्रॉ कर लेनी चाहिए दो दो लोग लॉन्गर साइड पे बैठे हुए हैं और सब लोग कहा देख रहे हैं आउटसाइड देख रहे हैं सो डायरेक्शन के मामले में तकलीफ थोड़ा कम है

Now, the first clue is saying F who is uh, uh, sitting at the corner is sitting between C and E uh, uh, who is who is the neighbour of B. Now, this clue is a bit beautiful, like we can say ki higher Bethreen clue hai karaki F who is sitting at the corner sits between C and E. E who is the neighbour of B. So of course. अब देखो हम कहीं भी, कही भी हम मान लो हमने एफ को यहाँ प्लॉट कर दिया बिकॉज एफ के बारे में कंफर्म है कि एफ बैठ रहा है कॉर्नर से बैठ रहा है एफ इज सिटिंग एट द कॉर्नर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि सी यहां रखें कि भैया ई e यहां रखें आपको डाउट हो रहा है तो एक काम कीजिए ना एक बार यहां पे ई e रख दीजिए और यहां पे सी रख दीजिए क्या तकलीफ है इसलिए प्रोजेक्शन काम आता है ताकि आपके दिमाग को थोड़ा आराम मिले आप संभावनाओं को अच्छे सोच पाए समझ समझना ये वाला काम हमारे पास आराम से होता है तो हमने एफ को सेम ही जगह रखा सी और ई को फ्लिप कर दिया उसने बोला की एफ हुई इज सिटिंग एट द कॉर्नर सिटिंग बिटवीन सी एंड ई हु इज नेबर ने

अब देखते हैं कहां बिठाया सकता है इस केस में क्या बोलेंगे जे और जी यहां पे नहीं हो पाएगा इस केस में क्या बोलेंगे अपन जे और जी जे ऑब्लिक जी कैन नॉट बी हियर मतलब वी कैन कैंसिल आउट दिस प्लेस जे और जी तुम यहां नहीं हो पाओगे आगे बढ़ते हैं डी इज सिटिंग एट द गैप ऑफ टू प्लेसेस ऑफ आई ज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ सेकेंड किसके बारे में बोला कि आई हुई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ एफ के सेकंड लेफ्ट में हमारे पास कौन है बी है कैंसिल आउट हो गया कैंसल आउट हो गया इस केस में क्या के लेफ्ट में कौन है सेकंड लेफ्ट में कौन है आई है सो आई कैन बी डन हियर सो प्रोजेक्शन नंबर सेकंड इज रूल्ड आउट जस्ट बिकॉज की एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है भाई आई है अब क्या डी इज सिटिंग एट द गैप ऑफ टू गैप ऑफ टू मतलब हमारे गैप मेंटेन करना है दो और यहाँ पे कौन बैठने वाला भाई डी बैठने वाला मींस गैप ऑफ टू ऑफ कोर्स डी विल बी कमिंग हियर सो वी आर वेरी मच श्योर अबाउट दिस अब जे और जी को लगातार बैठना है तो यहां हो नहीं सकते दैट मींस कि जे

है, और आई थिंक एफ जी एच आई जे एच बचा हुआ सो आई गॉट ए वेरी गुड इंफॉर्मेशन राइट नाउ फॉर दिंटरिंग फॉर एंड गेट द एग्जामिनेशन ऑफ एसबीआई सर्कल बेस्ड ऑफिसर आई थिंक आपको याद होगा सो एस बी आई सी बी ओ का रिजल्ट आउट हुआ है और इसकी जानकारी मुझे अभी हमारे आ, आ, ने दिया आके और भाई एस बी आई सी बी ओ का नोटिफिक आप इसका आ, रिजल्ट जाके चेक कर सकते हैं एस बी आई सी बी ओ मतलब कि द अदर वे राउंड यू कैन एंटर एस बी आई याद होगा आप में से बहुत सारे बच्चों को सीबीओ का वैकेंसी आया था उसका एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है ठीक है चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं वापस ठीक है सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेस एडवांस में सभी को जिन लोगों ने क्वालिफाई किया जो करेंगे आपने रिजल्ट को को देखेंगे सभी ठीक ठीक है ठीक है द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थ्री एंड एंड लेट्स आंसर क्वेश्चन राइट मूव करें आगे चलो अच्छा क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, था, था मिक्स करते हैं सवाल में कहा गया एट पीपल ए बी सी डी जी एच आर सिटिंग स्क्वेर रेक्टेंगुलर टेबल सम ऑफ देमरिंग टूवर्ड सेंटर एंड समर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इन सच दैट फोर ऑफ आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड समर लाइक जो इम, uh, मुद्दा होता है वही पॉइंट किया गया है ट्राई ट्राई सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आई यूज़ टू सी द कमेंट्स कि सर क्या मैं फ्रेशर हूं मैं आरबीआई का फॉर्म भरना चाहिए <laughs> दीपिका शर्मा ने पूछा सर टू प्लेस गैप मींस टू प्लेस गैप मींस दो दो गैप और क्या दो गैप मेंटेन कीजिए उनके बीच में मैंने समझाया कई बार कि टू प्लेसेस अवे टू प्लेसेस आफ्टर बिफोर इसमें हम एक कम करेंगे गैप ऑफ 1 रखेंगे सेकेंड टू द राइट सेकेंड टू द लेफ्ट एक एक गैप रखेंगे लेकिन जब वहां बोला, खुद ही खुल के बोल रहे टू प्लेस गैप तो विल है समदर क्वेरी जिसमें पूछा गया था कि सर क्या मैं फ्रेशर हूं कि आरबीआई ग्रेड भी भरना चाहिए मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल भर दो सोचो मत ठीक है चलो सो आई होप वी शुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन त्रिशा दास दैट इज टू दो लोग टू लोग नहीं दो लोग बोल लो <laughs> आप भी इंग्लिश चल रहे हो डन सो द फर्स्ट आंसर आई कैन सी हियर फ्रॉम पीयूष महाजन पीएम हैव सेंट डन अगर डन है तो शुरू करते हैं आइए

ठीक है ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया हम क्या करने वाले हैं, आराम से इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल हमारे पास है ऑफकोर्स ठीक है ये रेक्टेंगल हमारे पास है और यहाँ पे आठ लोग हैं तो आठ लोग कहां बैठ रहे हैं भाई हमारे पास कॉर्नर पे बैठे हुए है? हैं, चार लोग और चार लोग मेंशन किया है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग आर सिटिंग एट दर्नर पता ही नहीं है कौन ट्विस्ट दिस क्वेश्चन इज कैरिंग द ट्विस्ट बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट द पीपल आर सिटिंग एट द कॉर्नर आई थिंक आई मिसप्लेस समथिंग मुझे यहां पे एक सवाल रखना था जिसमें कि चार लोग कॉर्नर से बैठेंगे और चार लोग साइड से बैठेंगे ठीक है ठीक है हाँ सांधु सर कुछ बोलना है क्या एनीवेज <laughs> <Anyways>, आइए <coughs> So, यहां पे इस सवाल में मुझे एक और बात मैं ऑब्जर्व किया यहां पे, कि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है उन्होंने बोल दिया सम ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड सेंटर एंड आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इन दे आर सिटिंग इन सच अ वे फोर ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर बट इज फेसिंग सेंटर वी आर अनअवेयर ऑफ दैट थिंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट मींस कि नाउ इतना like ही ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्शन को हम जैसे नॉर्मली क्या होता है? Say, जो होता है वो हमेशा ये कहा करता है कि भाई चार लोग जो कॉर्नर बैठते हैं ना वो सेंटर देखेंगे और चार लोग जो साइड से बैठ रहे हैं वो बाहर देख रहे हैं ऐसा बोला करोस्टली ठीक है बट इफ इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट मैं प्रोजेक्शन विल will play the key role in this question now the solution of the question will actually carried by the projections if you are aware of drawing the projections if you are aware of uh, thinking about the possibilities of the clues that means you will be comfortable and uh, to answer the question i hope we should think about the second projection as well i do know that spi uh, uh, you can say uh, cbo results is, has been declared right yeah i don't know that ठीक है ठीक है ठीक ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्विकली जल्दी से आइए देखिए सेकंड प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं फटाफट चार लोग कॉर्नर्स में चार लोग यहां पे क्या रहेंगे साइड्स में रहेंगे स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन का मालूम नहीं है शुरुआत करते हैं पहले क्लू से ठीक है ओके सो द फर्स्ट क्लू इज सेइंग यहां पे कह रहा है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेस सेम डायरेक्शन इमीडिएट नेबर ऑफ जी वी आर अनअवेयर ऑफ दिस थिंग कि भाई अब जी कहां है पता ही नहीं है इमीडिएट से स्टार्ट कर सकते हैं क्या एक बार comment कर बताओ जल्दी से। से क्या क्या इस से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते आगे बढ़िए ना सी इज नॉट एन इमीडिएट अगेन एक नेगेटिव क्रू मतलब समझ रहे हैं इस सवाल को देख के अच्छे अच्छे लोगों का बैंड जाएगा, तोते उड़ जाएंगे लोगों के ठीक है आगे बढ़ते हैं

और जी जो है वो कहीं ना कहीं या तो जी ई ए होगा या फिर ए जी e होगा ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है सो वी हैव टू थिंग्स वी हैव टू डायग्राम्स हियर डू वी हैव टू प्रोजेक्शंस सो वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग या फिर एक और चीज यहां पे है बी इज फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड इज सिटिंग अपोजिट टू जी सो ठीक है जी हमारे पास यहां भी मिल रहा है

आगे देखते हैं क्या कह रहा है अब इसमें पता है एक प्रोजेक्शन क्या कहेगा इसमें प्रोजेक्शन कहेगा भाई जी को तुमने कॉर्नर पर रखा है ना अपोजिट बी और जिसको दिखाने के लिए एक बार क्या करो आप जी को यहां प्लेस करो तब जाके बातें क्लियर होंगी और इस केस में क्या होगा आपका बी यहाँ बैठेगा अगर तो ये आपका बाहर देख रहा होगा और यहां बैठेगा दैट मीस अल्टीमेटली ई को यहां बैठना पड़ेगा और ए e को यहाँ आना पड़ेगा और इस केस में आपका ए इन देखेगा ये दो प्रोजेक्शन आपका यहां से बन जाएगा बिकॉज मैंने वही वाली बात वही आपको अगर क्लियर नहीं है ना आइडिया कौन कहा देख रहा है तो आपको एक बार एक बार कॉर्नर और आपका मिडिल ऑफ द साइड दोनों को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जी को आपने यहां से मिडिल से स्टार्ट किया तो जी को आपको मिडिल ऑफ द साइड से भी स्टार्ट करना

अच्छा ये हमारे पास बहुत क्लियर पॉइंट है डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच एंड जी दट मीनस यहां पे हमारे पास डी आ जाएगा और यहां पे हमारे पास एच आ जाएगा और एच कहां देखेगा इन साइड एच के भीट ले होना चाहिए जी के भीट लेना चाहिए सी यहाँ मीस सी विलिंग हेर नाउ देव सेम देंटर एट जी दट मीनस की एफ विल सिटिंग विल भी फेसिंग आउट साइड सो आई थिंक द सेकंडन इज टू बी द राइट डायरेक्शन एंड बी सिटिंग ऑफ साइड ऑफ द साइड मीस रूल आउट हो जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड प्रोजेक्शन इज गंग राइट डायरेक्शन नाउ वी नीट टी

क्वेश्चन वॉज क्वाइट गुड मतलब अच्छा सवाल सवाल में एक ट्विस्ट ये था कि जो हमारा एजम्स था हम लोगों का कि यार ये वाला सवाल जो है ना कहीं ना कहीं ट्रेडिस uh, अच्छा और उसमें ट्रेडिशनली अपना प्रॉपर सेट था वो सवाल दूसरा सवाल मैंने देखा कि यार एक रेक्टेंगल आ गया जिसमे दस लोग बैठ रहे हैं चार लोग कॉर्नर पे चार लोग आपके दो दो लोग दो लॉन्गर साइड पे एक लोग आपके मिडिल वाले साइड पे दस लोग बैठ रहे सब लोग बाहर की ओर देख रहे हैं

ठीक है सो so, ऑफकोर्स आगे बढ़ते हैं डी का डायरेक्शन कैसे क्लियर किया अरे भाई यहां बोला ना डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच एंड जी अरे भाई यहां बोला ना इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच एंड जी सिमिलरली जैसे कि वहां जी वाला एक पॉइंट था ना कि एक पॉइंट था ना यहां याद करो यहां पे ई वाला ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड ए इसे क्लियर किए हम लोग की ई e जो रहेगा वो जी और ए के मध्य रहेगा वैसे ही डी जो रहेगा वो जी और एच के मध्य रहेगा बस जैसे हमने यहां पे राइट कंफर्म किया था कि ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड ए वैसे यहां पे हमारे पास जी बना हुआ था कि जी और एच के इमीडिएट लेफ्ट में रहेगा इसका मतलब ये है कि जी यहां पे रहेगा और एच यहां रहेगा तभी तो दोनों लेफ्ट देखना पड़ेगा डायरेक्शन ऑफ डी कैसे तय किया उसमें हमारे पास कंफर्मेशन यहां से आया कि उसने कहा था आई थिंक एक बात जिसमें बोला गया था इमीडिएट नेबर ऑफ एच हाँ फेसेस ने अपोज डायरेक्शन यहां बोला गया था इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसेस फेसिसोज डायरेक्शन टू अदर दैट मींस कि आपका यहाँ जो एच है उसका एक नेबर ये था आउटसाइड देख रहा है तो इनसाइड साइड देखेगा और उसमें एक और पॉइंट था कि जी का जो इमीडिएट नेबर है वो आपस में एक, एक सेम डायरेक्शन रहा होगा अगर डी इनसाइड है तो आपका ई e इनसाइड होगा बाकी खत्म हो गया कहानी क्वेश्चन नंबर फोर आपका होमवर्क है और ये जल्दी से नोट कर लो इस सवाल को ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जल्दी से प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इस सवाल को मुझे कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे चाहे वो ऑफलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं कुछ भी देख रहे हैं करने का मतलब ये है कि इस सवाल को आपका स्क्रीन शॉट लेके सॉल्व कर लीजिएगा या फिर लाइव फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है ठीक है चलो सो जस्ट साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच बाय टेक केयर स्टडी वेल थोड़ा सा शॉर्ट क्लास हुआ लेकिन प्रोडक्टिव हुआ बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने अभी अपन मिलते हैं जल्दी से फिर से यूट्यूब पे ही और कुछ और बात करते हैं ठीक है

कोड यूज कर लेना यू वन डबल एट पता ही है तुम लोग को याद रख ही लिए गए तुम लोग यू वन डबल एट लॉजिकली भी समझा दिया हूँ यही है ठीक है ना चलो सो ऑफ थैंक यू सो मच बाय टेक केयर वेल ब्लेसिंग्स तो बस नए सब्सक्राइब कर लिये है, पुराने हैं लगे रहेगा दोस्तों में शेयर करते रहेगा